कि ये जीवन तो केवल राधे के लिए है, राधे के लिए है, राधे के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार। ये जीवन फिर उसके लिए होता है, तब होता है संवाद। संवाद में दो होते हैं, प्रवचन में बहुत होते हैं। तो जब आपका मन भगवान की भक्ति में लगेगा तो कल्याण होगा। बड़ा सरलतम सूत्र बताए हैं। इसके बाद हिरण गर्भ की बात की है। हिरण गर्भ से कैसे ये महातत्वाएं हैं, ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई है, फिर तत्वों से कैसे रचना मानव पशु पक्षी इत्यादि की जो रचना है, ये सब ब्रह्मा की है। विविध तत्वों का वर्णन किया है। नारद जी पहुंचे अपने पिता ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ बैठे थे। अच्छा, कोई साधक ध्यानस्थ बैठा हो उस समय जाकर आप जाओ तो एकदम मौन बैठ जाओ, शांत बैठ। पर आजकल मौन होना भी चाहे तो बड़ी समस्या है, तो मोबाइल की बड़ी बीमारी रहती है ना, वो नहीं शांत होने देते। और समस्या भी बंद करो तो लोग कहते बंद करके बैठे हो, जब लगाओ फोन बंद रहता है। अल्लाह बंद करो तो चैन से बैठने नहीं देते, ध्यान भी नहीं हो पाता लोगों पर। प्रयास करो 5 मिनट के लिए सही, कभी 24 घंटे में आप लोग 5 मिनट 10 मिनट एकांत शांत मौन हुआ करो। अभ्यास करना, किसी भी चीज के लिए अभ्यास करना पड़ता है। बगैर अभ्यास के ना कुछ हुआ है, ना कुछ हो रहा है, ना होगा। कुछ भी पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आप लोगों को बड़ा सरल सूत्र दे रहा हूं। आप नित्य प्रति जब भगवान की सेवा करते हो ना, सेवा के बाद 5 मिनट के लिए फोन उनसे बंद कर दो, ज्यादा नहीं कर सकते, मात्र 5 मिनट, और अपने आप को एकदम मौन कर लो। बस भगवान का नाम लो, मन आपका कहां जा रहा है जाने दो, चित्तवृत्ति में कौन आ रहा है छोड़ो उसको, जाने दो। आपके मुख में भगवान का नाम एकदम बस इस अवस्था। धीरे धीरे 5 मिनट से आपको आनंद आएगा, 10 मिनट बढ़ जाओगे, 10 मिनट से 15 मिनट में, 15 से 20, ऐसे करते करते ऐसी मस्ती आ जाएगी कि आप जहां बैठे हो वहीं आनंद आ जाएगा। आप अपने साथ अन्याय मत करो। जीवन का आनंद लेना है अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं। क्यों? कोई भी व्यक्ति यदि हमारे पास आएगा तो आपको सुख देने के लिए नहीं, स्वयं के सुख के लिए आएगा। आपको सुख देने के लिए कोई आएगा तो भगवान का भक्त आएगा। आपको सुख देने के लिए आएगा तो कन्हैया आएगा। बाकी संसार में जो भी आता है किसी के पास, कहीं ना कहीं स्वार्थ लेकर के आता है। एक साधक बहुत अच्छी बात बोले हैं, उसकी धुन एक लाइन बोलूंगा फिर आगे आज पहुंचना है पंचम स्कंद तक। आगे प्रभु की इच्छा, मेरे देख लिया संसार हमने देख लिया। ये संसार का नजारा कैसा है, कैसी मस्ती है, संतों की, साधकों की। क्या कहते हैं, देख लिया संसार हमने देख लिया, 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 सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब
मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। पिता यरु सगे संबंधी, पिता यरु सगे संबंधी। देखो कोई भी हो इस संसार में, एक बात बताओ, बालक बड़ा हो जाए, पैसा कमाने लगे, पर माता पिता की सेवा न करे, उनको एक रुपया न दे, प्यार रह जाएगा? रहेगा प्यार? बड़े मित्र हैं, संकट में आप उनको एक पैसे मत दो, मतलब रहेगा? आपका शरीर जब तक निरोग्य है, सुंदर है, स्वस्थ है, आपके शरीर से जब तक हम सुख ले सकते हैं, तो हम 10 बार आपके शरीर को देखेंगे, आपके लिए दौड़ेंगे, आप जो कहोगे करेंगे। लेकिन जब शरीर हमारा जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, तो कोई हमारे पास बैठने को भी तैयार नहीं होगा, उस समय कौन बैठेगा आपके साथ? भगवान का भक्त कौन बैठेगा? आपका कन्हैया। इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा मान हो जाओ, इसको पूरा नहीं सुनाएंगे, चिंता नहीं करो, ये तो पागलों की मस्ती, बाबा जब जैसा आ जाए चलता। ये संसार का जो दर्शन है, दर्पण है, ये उसका यथार्थ रूप। नारद जी देखे पिताजी समाधि में, मौन हो गए, बोले नहीं। ब्रह्मा की समाधि टूटी, नारद जी साष्टांग प्रणाम किए, अपने से बड़ों के सामने साष्टांग प्रणाम लेट कर, देवियों को पंचांग, पुरुषों को साष्टांग प्रणाम का विधान है। अब तो साष्टांग प्रणाम नहीं करते, कपड़े गंदे हो जाएंगे। अब ड्राई क्लीन में इतना पैसा खर्च किए हैं और भगवान के सामने लेट के प्रणाम किए, कहीं धूल मिट्टी लग गई तो सब बेकार। ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं बस। अब तो बांके बिहारी के पास भी जाके भीड़ में तो खैर दिक्कत है ना, हो तब भी लेट के प्रणाम लोग कम करते हैं, बस दहली में गए ऐसी सिर छुआ दिए। जो बांके बिहारी को देखना था उसको तो आपने दिखाया नहीं, बाकी बिहारी आपके पृष्ठभाग को देखना चाहते थे, पीठ को, पाप तो यहीं बैठता है, तो बाकी बिहारी के सामने आया ही नहीं। बाकी बिहारी के सामने तो ये लेकर के गए कि हमने ये किया, देख लो। पुण्य हृदय में और पाप पीठ में, हर व्यक्ति को अपना पुण्य दिखाई पड़ता है और दूसरे का पाप दिखाई पड़ता है। या जितने बैठे हो सबको किसी की पीठे दिखाई पड़ रही होगी, किसी का हृदय एक दूसरे की पीठे तो देख रहे हो ना, तो संसार में एक दूसरे की कमी ही दिखती है। नारद जी प्रणाम किया साष्टांग दंडवत प्रणाम, पिताजी सारे जगत को बनाने वाले आप, सारा जगत आपका ध्यान करता, आप किसका ध्यान करते हो? बेटा जो मुझे बनाने वाला है मैं उसका ध्यान करता हूं, तो आपको बनाने वाला कोई और है क्या? बोले हां। कौन है मैं जानना चाहता हूं? बोले संकल्प करो। ब्रह्मा ने कहा देखो मुझे बनाने वाले, प्रकट करने वाले नारायण है, नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है।
ब्रह्मा जी चारों दिशाओं की ओर देखते हैं, चार मुख्य हुए। अब उस कमल पुष्प पर बैठे हुए ब्रह्मा ये विचार करने लगे कि आखिर मुझे प्रकट करने वाला कौन है। उसी कमललाल में चल पड़े। हजारों वर्ष चलते गए लेकिन उनको कुछ पता नहीं चला। तब आकाशवाणी हुई, दो शब्द सुनाई पड़े, ता और पा। श्रोताओं, आप लोग यदि परमात्मा को पाना चाहते हो तो परमात्मा भटकने से नहीं मिलेगा, दौड़ने से नहीं मिलेगा। आप जहां बैठे हो ना, आपको अपने ही स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। और जिस दिन आप अपने स्वरूप में अपने आप को स्थित कर लोगे, स्थित प्रज्ञ का वर्णन बड़ा सुंदर है, उस विषय पर नहीं ले जाऊंगा अभी, वो अवस्था अलग हो जाती है, अभी उन बिंदुओं पर नहीं ले जाऊंगा, पहले उसके लायक बनो, फिर प्रयास करेंगे एक आध बार उस अवस्था के वर्णन करेंगे। स्थित प्रज्ञ कौन होते हैं, कैसे होते हैं? अपने आप को जब अपने आप में स्थित कर लोगे तब आपके अंदर का भटकाव दूर होगा, और फिर आपके अंदर ही जो स्थित है, आपके अंदर जो बैठा हुआ ब्रह्म है, जो कृष्ण है, राम है, वो आपको मिलेगा, दिखाई पड़ेगा। और जब वो आपको दिखाई पड़ेगा, मिलेगा, तभी आपका कल्याण होगा। ब्रह्मा जी चलते गए, कुछ नहीं मिला। आकाशवाणी तप करो, तपाए, भगवान का साक्षात्कार हो गया। जैसे दूध में मक्खन तो है कि नहीं, अब उसमें ऐसे अंगुली चलाते रहे तो मक्खन का दर्शन हो जाएगा, नहीं होगा। मक्खन का दर्शन करना है तो मंथन करना पड़ेगा, बगैर मंथन के मक्खन। उसी प्रकार इस संसार में परमात्मा छोड़ो, आप जिस शरीर में बैठे हो उसमें परमात्मा है। मैं संसार की बात नहीं करता, क्यों? संसार जिसका है वो जाने, हमारा नान हम जानते उसको। जब हमारा शरीर नहीं है तो संसार कैसा? लेकिन जिस शरीर पर हमको अधिकार दिया है, देखो इस शरीर पर आपका अधिकार है, इसी शरीर के माध्यम से आप कृष्ण को पा सकते हो, इसी शरीर से आप भगवान की कथा का रसपान कर सकते हो, तो इस पर आपका अधिकार है। तो जिस पर आपका अधिकार है, पहले आप उस पर शासन करना सीखो, मतलब इस शरीर को नियंत्रित कर लो। यदि आप इस शरीर को नियंत्रित कर लिए तो समाज को नियंत्रित करना, बस में करना कोई कठिन कार्य नहीं। बड़ा सुंदर सूत्र हमारे शास्त्रों में दिया, वेदांत का बड़ा गुड़ रहस्य। थोड़े समय में परमात्मा का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप मुझे किस लिए प्रकट किए? मुझे खेल खेलना, आपको खिलौना बनाना है। महाराज, मैं कहीं आपकी माया से मोहित न हो जाऊं, भय लगता है तो भागवत की कथा का रसपान करो। तब नारायण जी ब्रह्मा जी को चार श्लोकों में भागवत की कथा का रसपान करवाए हैं। आप सभी भक्त जहां जो यहां विराजमान है, हो सके तो 5 मिनट के लिए हाथ जोड़ लें, मोबाइल से उंगलियां हटा लें जो चला रहे हैं कुर्सी में बैठ के, वो बाद में चल जाएगा व्हाट्सअप, कोई बात नहीं, वो तो मैसेज यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। कुछ भक्त लोग बैठे हैं वो भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, नाम नहीं लूंगा। 5 मिनट के लिए उंगलियों की अपनी अपनी हटा लो मोबाइल से, पर मोबाइल आपके पास है, उंगली आपकी है, खूब चलाते रहो। नारायण जी ब्रह्मा जी को भागवत की कथा का रसपान करवाए, चतुश्लोकी भागवत। सभी लोग हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना करें। 18,000 श्लोक का वाचन हमारे आचार्य जयप्रकाश आचार्य राकेश जी कर रहे हैं, जो समिति के कल्याण के लिए, यहाँ के जो सदस्य हैं उनके कल्याण के लिए श्लोक का वाचन वो कर रहे हैं। इसका सार आप लोगों को दिया जा रहा है। बड़े श्रद्धा के साथ देवियाँ अपने सिर पर थोड़ा कपड़ा रख लें तो और अच्छा रहेगा, और हमारे भाई लोग थोड़ा हाथ जोड़ लें कन्हैया के समक्ष और प्रार्थना करें
कि जैसे नारायण जी ब्रह्मा जी को भागवत की कथा का रसपान करवाए, ब्रह्मा जी इस संसार में रहते हुए निर्लिप्त जीवन का आनंद लिए, उसी प्रकार आप लोग भी आनंद लें। हम और आप यहां आनंद लेने के लिए ही आए हैं, और दूसरों को आनंद हम तब देंगे जब स्वयं में आनंद हमको मिलेगा, और हम स्वयं में परेशान होंगे, दूसरों को आनंद कभी दे नहीं पाएंगे। तो चार श्लोकों भागवत की कथा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहमेवासमेवाग्र नान्यद्यात् सदसत् परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्याद्यात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चार श्लोकों में संपूर्ण भागवत की कथा का रसपान नारायण जी ब्रह्मा जी को करवा दिए। नारायण जी ने कहा, देखो अहम एवास अग्रे, देखो इस संसार में, इस विश्व रंच में केवल एक ही खेल है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम इसको तीन रूप में कर दिए। तीन रूप में कैसे हमको भाषित हो गया? हमने जीव को अलग कर दिया, जगत को अलग कर दिया, और ईश्वर को मान लिया कि नहीं? जीव को अलग, जगत को अलग, और ईश्वर को अलग। तीनों में हमारे अंदर पृथकत बुद्धि आ गई, तीनों को हम अलग मान लिए। ये तीनों को जो अलग अलग रूप में दिखा रहा, ये कौन दिखा रहा है? ये भगवान की माया दिखा रही है। और माया के जो प्रवृत्ति हैं तीन हैं, हमने आपसे कल कहा था कथा में, याद है ना? माया के तीन प्रवृत्तियां हैं, कौन कौन सी बताया था? कल ही बोला था। आप कहोगे आपने कहा था रात गई बात गई, हम कल की बात कल पर बोल गए, आप कह सकते हो? ये आपने तो दृष्टांत में कहा था कि रात गई तो बात गई, अब कल की बात तो कल, आप लोगों को कल ही समझाया था। माया की तीन मृत्यु। कई बार बड़े योग्य शिष्य को मिलते हैं, पढ़े लिखे छात्र, कई बीएड वाले, कई एमएड वाले, एमफिल पीएचडी वाले बहुत मिलते रहते हैं। आज मैं तो ये किया हूं, मैं ये क्यों? अच्छी बात, भगवान की कृपा, आप और आगे बढ़ो। अच्छा, साधक सोचता है कि चलो ये पढ़े लिखे हैं, कथा में बड़े ध्यान से सुनते हैं, एकदम
एकाग्र चित्त होकर के। एक बार गुरु ने सोचा चलो इसे पूछ लो भाई, अब ये बड़ा सुयोग्य है, सुबुद्ध है, बड़ी एकाग्रता से रसपान करता है या रसपान करती है, चलो पूछ लेते हैं। जब एक प्रश्न पूछे तो उसकी बोलती बंद, अरे क्या हुआ भाई, इतना सुबुद्ध, इतना एकाग्रता के साथ रसपान करने वाले। बोले महाराज आप नहीं जानते, आप जितना पढ़ाते हो ना, मैं बाद में उतने पन्ने फाड़ के नदी में, क्यों, मैं गुरु का ज्ञान अपने पास, गुरु के ज्ञान की चोरी नहीं कर। तो ऐसे ऐसे योग्य शिष्य मिला करते हैं, जब पूछ दो चुप हो जाते हैं। माया की तीन वृत्तियां बताए थे बाबा आपको, जागृत, स्वप्नो, सुसुप्ति। और जब तक इन वृत्तियों में आप हो, माया के दलदल में हो, तो जीव अलग है, जगत अलग है, ईश्वर अलग है। इससे आगे बढ़ोगे तो यहां कुछ नहीं है, केवल एक है। भगवान ने कहा देखो, ये जो भगवान का विराट स्थूल स्वरूप है ना, हमारे प्रभु का जो स्थूल स्वरूप है, स्थूल स्वरूप में ही ये सब लटके हुए हैं, चीटी मटा जितने जीव जंतु हमारा सब उसी में, अलग कहीं नहीं, अलग हम लोगों को भाषित हो रहा है। भगवान ने कहा देखो ब्रह्मदेव, सृष्टि के पूर्व भी मैं, सृष्टि के रूप में मैं, और सृष्टि के बाद भी मैं। अच्छा एक बात बताओ, ये आपका पूरा शरीर एक है कि अलग है, क्या है, पैर अलग और हाथ अलग, नाक अलग, नेत्र अलग, तो नाम पर अलग अलग, अलग क्यों है, शरीर तो एक ही है, तत्व एक ही है, तो नाम अलग होने से मतलब ये शरीर अलग अलग हो गया कि एक ही है, नहीं पता। अच्छा ये और अच्छी बात है फिर। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो भक्त लोग बोल दिया करते नहीं पता ना, यदि ये सचमुच में ऐसा कर ले तो इनका कल्याण हो जाए। मैं तो चाहता हूं आपकी ऐसी अवस्था हो, क्यों, प्रेम में यही अवस्था होती है, प्रेम में यही अवस्था होती है। क्या खोज डाला इस जहां में, खोज डाला इस जहां में, कुछ पता तेरा नहीं, अब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, खोज डाला इस जहां में, कुछ पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है, अच्छी बात है। हमारी आपकी अवस्था यही हो, हमारा आपका प्रवेश यहां हो। भगवान ने कहा देखो, मेरे अलावा न कहीं कुछ था, न कहीं कुछ है, ना कहीं कुछ रहेगा, लेकिन ये जो मेरी माया है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, भगवान की जो ये माया है ना, ये द्वार पर ही रहती, अंदर नहीं रहती, सारी समस्या द्वार की ही है। एक और बात ध्यान रखना, हमारे आपके जीवन में सारी समस्या द्वार की है, द्वार से ही द्वारा लग जाता है। ये शब्द बड़ा विलक्षण है, इस पर ज्यादा नहीं विस्तार करूंगा, सांकेतिक बताऊंगा, आगे चलूंगा, मूल कथानक को ज्यादा लूंगा। द्वार से ही द्वारा लगता है, माया है द्वार में। जैसे आप किसी के द्वार में गए, ठीक, आप किसी के द्वार में गए और आपके मन की अनुकूल प्रक्रिया हो गई तो आपको वो द्वार अच्छा लग गया, ठीक है कि नहीं। लेकिन किसी के द्वार में गए और उसकी प्रक्रिया आपके मन के प्रतिकूल हो गई तो आपके जीवन में विपत्ति का जो कारण बना, तो कहां से बना,
वही द्वार से क्या गया, बोले इसके द्वारा, इसके कारण मेरे साथ ऐसा ना, इसके हम घर जाते हैं ना मेरे साथ ऐसा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? द्वार और द्वारा, यही जो बिंदु है, यही जो प्रसंग है, इन्हीं पर थोड़ा हमको मुड़ना है। भगवान के द्वार पर अभी प्रसंग आएगा, सनकादि गए तो सनकादि भगवान के द्वार में जाकर के भटक गए। क्यों? भगवान के साथ में द्वार पर ही तो माया बैठी है, छह द्वार में नहीं मिलती है, सात में द्वार मिलती माया। और सात में द्वार पर माया मिली, भटक गए, और जब भटके तो द्वारा किसका लग गया? जय विजय का लगा कि नहीं लगा? जय विजय का पतन हुआ तो द्वारा किसका बन गया? बोले सनकादिकों के द्वारा ऐसा। लोग कहते हैं ना कि सनकादिकों के द्वारा ऐसा हुआ या जय विजय के द्वारा, तो ये गए कहां थे मूल में? बोलो, द्वार किसके? प्रभु के, प्रभु के द्वार पे। इसीलिए प्रयास करना हमको, आपको ये द्वार क्या है, ये बिंदु क्या है, ये द्वारा क्या है, कभी इन बिंदुओं पर थोड़ा सा अपने आप को भिगोना, डुबाना। सारा खेल द्वार का है। मीरा जी बिहारी जी के द्वार पर गई तो क्या कह दी? तेरी अखियां है जादू। किसकी अखियां जादू भरी है? बिहारी जी की। मीरा भी तो बिहारी जी के द्वार पर गई है कि नहीं गई? हम लोग भी तो जाते हैं बिहारी जी के द्वार पर, तो जाते हैं ना। पर बिहारी जी के द्वार पर जब जाते हैं थोड़ा ध्यान दीजिए, जब बिहारी जी के द्वार पर हम सीधे सीधे जाते हैं तब तो बिहारी जी नजर आते हैं, लेकिन जब किसी के द्वारा हम जाते हैं तो बिहारी जी गायब हो जाते हैं। जिसके द्वारा जाते हैं वही हमको नजर आता है। हमारे भाई लोग थोड़ा एकाग्रता लाएंगे इस प्रसंग पर, फिर मैं आगे भाग रहा हूं सीधे। जो हर महीने बिहारी जाते हैं या आते हैं वो जाने, थोड़ा इस शब्द पर विचार करें। मीरा जब गई है तो सीधे बिहारी जी के द्वार गई है, और हम बिहारी के द्वार भी जाना चाहते हैं तो किसी के द्वारा, अरे जो द्वारा है यही भटका देता हमको। जितना समय, जितनी मुस्कुराहट हम जो द्वारा, जो जिसके माध्यम से जा रहे हैं उसके लिए देते हैं, उतना समय बिहारी जी को नहीं देते। गलत तो नहीं है? इसको समझो भाई, जब बिहारी जी के द्वार पर जाओगे ना, सीधे सीधे ये द्वारा वाला प्रपंच दूर हो जाएगा। और जब तक अब प्रसाद का डिब्बा भी हमको चढ़वाना है, अरे अमुक के द्वारा हम चढ़वाएंगे तो हमारा प्रसाद क्यों भाई? क्या अमुक हमको लेके आया यहां? हमको यहां तक तो लेकर के बिहारी जी आए हैं ना, यहां बिहारी जी लाए हैं। अमुक के बस में होता तो हम जाते क्यों फिर? तो जब वो वहां यहां तक बुला लिए हैं तो क्या प्रसाद नहीं स्वीकार करेंगे? मीरा जी जब आई है चल के वृंदावन, तो वहां किसी के द्वारा नहीं जा रही, बिहारी जी के पास सीधे पहुंच गई। और जब पहुंची तो क्या अवस्था हो गई? तेरी अखियां है जादू भरी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो
कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी ठाकुर और न पाया तुझसे ही मैंने नेह लगाया तुझसा ठाकुर और न पाया तुझसे ही मैंने नेह लगाया नेह लगाया मैं तो द्वार पे आ न पड़े बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी करो हरि दास के स्वामी बाके बिहारी अंतर्यामी कृपा करो हरि दास के स्वामी बाके बिहारी अंतर्यामी मेरी टूटे ना भजन की लड़ी बिहारी मैं तो कब से पड़ी मेरी टूटे ना भजन की लड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी मेरी अखियां है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी अखियां है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से मीरा जी
बांके बिहारी के द्वार पर जब पहुंचे तो वहां केवल मीरा है और गिरधर है। देवियों सज्जनों, हमारे बिहारी जी के पास कभी ऐसे आओ, दिमाग से निकाल देना कि वहां मुझे कौन मिलेगा, कौन मेरा परिचित, कोई नहीं है वहां, मेरा बांके बिहारी है ना। जब बांके बिहारी देख लेंगे ये तो मुझे ही सब कुछ मान ली है, या मुझे सब कुछ मान लिया है, तो बांके बिहारी मिल जाएंगे। बांके बिहारी भी जानते हैं या तो रहा मेरे पास, लेकिन ये कहता नहीं मेरे तो अमुक है, मेरे अमुक हैं, तो जिसके यहां भी अमुक हैं जाओ उन्हीं के पास। इसलिए यही है भगवान की माया, और भगवान की माया द्वार से ही लौटाती है, द्वार से भटकाती है। अच्छा हम जिनके लिए जाते हैं ना वो हमारा चिंतन नहीं करते, जब तक हम रहेंगे ठीक है, हम गए दूसरा है तो उनका काम है, हमारा जो था हम उससे भटक गए, यही है माया। इस भेद को दूर कौन करेगा? गुरु। और गुरु भेद दूर करके पीछे हो जाएगा, शिष्य को कर देगा आगे। जी मीरा जी के गुरु भेजे हैं गिरधर के पास, लेकिन वहां गुरु भी नहीं दिखाई पड़े हैं। माता सबरी के गुरु ही कुटिया में राम जी को लाए हैं, लेकिन वहां माता सबरी और राम है गुरु। क्यों? जब गुरु के प्रति शिष्य के मन में श्रद्धा हुई, आग्रह किए, तब फिर भगवान गुरु को प्रकट किए। भगवान ने कहा देखो ये मेरी माया है, इसे काम भ्रमित करना भटकाना है। जिस मानव के अंदर कर्तृत्व का अहंकार आता है उसी को मेरी माया भटकाती है, और जिसके अंदर कर्तृत्व का अहंकार नहीं होता वहां माया कुछ बिगाड़ती। देखो ये जो कार्य है ना, एक भाव से लेके चलो, सब कुछ कृष्ण कर रहे हैं। कौन कर रहा है? कृष्ण। कथा भी कर रहे हैं कृष्ण, और कथा रसपान भी कर रहे हैं कृष्ण। ठीक, तो नाम किसका आना चाहिए? तुझे हमारे मन में वृत्ति रहेगी नाम कृष्ण का आए तो समस्या नहीं आएगी, लेकिन जब हमारे मन में वृत्ति कृष्ण की जगह अपने लिए आ जाएगी तो फिर नाम की समस्या वहां आ जाएगी। अमुक का नाम ही क्यों बोला, हमारा नाम क्यों नहीं बोला, ये हो जाएगा। नाम के लिए नहीं, हमारा आपका जो ये मार्ग है, हमारी आपकी जो भागवत की यात्रा है, ये नाम के लिए नहीं, ये कृष्ण प्राप्ति के लिए है। हमको कृष्ण का नाम चाहिए, कृष्ण का ही रूप चाहिए, कृष्ण की ही लीला चाहिए, और कृष्ण का ही धाम चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन माया भगवती भ्रमित कर देती है, भटका देती, इसमें आपका दोष नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भटक गए, ब्रह्मा जी भटक गए, शंकर भटक गए, ऋषि महर्षि भटक गए, कुछ सामान्य मानव भटक जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। माया का काम है भ्रम, माया का काम है भय, भय और भ्रम ये माया का कार्य है, माया का मार्ग है। भगवान ने कहा देखो चौरासी लाख प्रकार के जो मकान बनाओगे उन सब में मैं ही रहूंगा, इस संसार में मेरे अलावा ना कहीं कुछ था, ना कहीं कुछ है, ना कहीं कुछ रहे। चार श्लोकों में संपूर्ण भागवत की कथा का रसपान करा दिए, महापुराण के 10 लक्षणों का वर्णन किया है। अब आइए तृतीय स्तंभ में हमारा प्रवेश करें, आगे की लीला का दर्शन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भद्री नारायण 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 भद्री नारायण 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 राघव नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भद्री नारायण 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 राघव नारायण 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 राघव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 तृतीय स्कंद में भगवान के भक्तों का मिलन हुआ है, विदुर जी का, उद्धव जी का, विदुर जी का, मैत्रेय जी का। भगवान के भक्त जब आपस में मिलते हैं तो वहां भक्ति की चर्चा होती है, भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद गाया जाता है, भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद गाया गया वहां। भगवान के भक्त तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञानी भक्त, वैरागी भक्त और अल्हड़ भक्त। ज्ञानी भक्तों को रोना पड़ता है, वैरागी भक्तों को भटकना पड़ता है, और जो अल्हड़ भक्त होते हैं वो मुस्कुराते रहते हैं, मस्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। उनकी जिंदगी निराली अलग होती है, वो जहां बैठ गए बैठे हैं जैसा, मैं कोई लेना देना नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। मैत्रेय अमाशीन मगाद बोधम प्रयाग में, और यदि एक बार भगवान का के मुख से आपका नाम आ गया, कल्याण हो जाएगा। एक बार नारद जी पहुंचे प्रभु के पास, प्रभु मैं आपके भक्तों की सूची देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा दे तू। उस सूची में कहीं भी हनुमान जी का नाम नहीं मिला। नारद जी का पहले नाम था, नारद जी अपना नाम ऊपर देखे बड़े खुश हुए, मेरा पहला नाम। लेकिन दो चार भक्त जो कन्हैया के हमारे प्रिय हैं उनका नाम नहीं मिला। नारद जी ने कहा प्रभु और तो सब ठीक है, लेकिन ये बताइए आपके हनुमान जी का नाम नहीं मिला, प्रहलाद जी का नाम नहीं मिला, कई भक्तों का नाम भी नहीं लगे। प्रभु ने कहा देखो नारद,
डायरी में वो नाम लिखते हैं जो नाम भूलने वाले हैं। तो जो भक्त भूलने वाले हैं मैं उनका नाम सूची में रखा हूं, लेकिन जिन भक्तों का जीवन ही कृष्णमय हो चुका है, तो जो भक्त मेरे अलावा किसी और को नहीं जानता, तो फिर मैं भी उसके अलावा किसी और को जानता नहीं। नारद जी रो पड़े, प्रभु फिर तो मैं बहुत कच्चा हूं। श्रोताओं हम और अवेश तो कि मेरा बांकी बिहारी आपका नाम लेके पुकारे। आप जहां बैठे हो वहां आ जा रहे, और जिस दिन ऐसा हो गया तो समझ जाना आपकी यात्रा सार्थक हो गई है। हमारे मुख में प्रभु का नाम बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रभु के मुख में नाम आना और अच्छी बात। विदुर जी जिस समय प्रभु जा रहे थे तो प्रभु ने कहा था, है उद्धव मुझे पता है आपको विदुर जी मिलेंगे, जब विदुर जी मिले तो उनसे मेरी जय श्री कृष्ण की कह देना, जय श्री कृष्ण कह देना। विदुर जी बहुत रोए, प्रभु के एक प्रसंगों को याद कर, दुर्योधन के यहां कैसे पकवान का त्याग कर, विदुरानी के यहां प्रभु गए थे साकम निर्लवणम बिना, बगैर नमक के साथ। देखो हम कई बार बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जिसका इंतजार होता वो नहीं पहुंचता। और कई बार ऐसा भी होगा किसी के जीवन में कि इंतजार ना हो तब भी वो सामने, इंतजार तो बहुत किए, क्या हम इंतजार ही करते रहेंगे? अब वो इंतजार करे उसकी बारी आनी चाहिए। ऐसी अवस्था में प्रवेश, इसके बाद ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का कार्य है, मानसिक सृष्टि, सबके सब निवृत्ति मार्ग में जा रहे हैं। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, लेकिन क्रोध अपनों पर क्या करना, क्रोध को जैसे रोके ब्रकुट मध्य से नील वर्ण का एक बालक प्रकट हुआ, बोले मेरा नामकरण करो, उसका नाम रखा रुद्र, बोले विवाह करो, विवाह किया। विवाह होते संतान की वृद्धि, इतनी अशिष्ट सृष्टि हो गई वो उपद्रवी, ब्रह्मा ने कहा बस करो, मना कर दिया, चले जाओ इलावर्त खंड की ओर, इलावर्त खंड भेज दिया। पंच परवा विद्या अविद्या, हमारे आपकी जो दस इंद्रिय हैं, दस ऋषियों का वर्णन, दस देवताओं का वर्णन है। ब्रह्मा जी चिंतित हुए मैं कब तक ऐसा करूंगा, उनके शरीर के दो भाग हुए, नर और नारी। पुरुष को रोकना है तो नारी को बनाओ। देखो एक बड़ा सुंदर संकेत किया है, लोह पास मई बद्वा, लोह पास मई बद्वा, लोहे की शाकल में बंधा हुआ व्यक्ति कदाचित कभी मुक्त हो सकता है, लेकिन स्त्री संगात न प्रमुच्यते। नारी के इश्ने में बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त नहीं होता। तो क्या नारी इतनी गलत है? नहीं, नारी गलत नहीं है, नारी के प्रति आपकी धारणा कैसी है वो गलत है। यदि नारी के लिए धारणा आपकी बहुत अच्छी है तो यही नारी आपको नारायण से मिला देगी। नारायण से मिलाने का काम यदि कोई करता है तो वो है नारी। और एक नहीं अनेकों ऐसे प्रमाण आएंगे जिसके मूल में नारी सहायक बनी उसी को भगवान का दर्शन हुआ है। तुलसी जी को देख लो, प्रत्यक्ष है। सुदामा जी का प्रसंग आएगा, देख लेना भेजने वाली कौन है। ध्रुव जी के प्रसंग में भी आपको लेकर चल रहा हूं,
माँ के रूप में सही, नारी के तो 6 रूप होते हैं ना, लेकिन भगवान के पास भेजने का कार्य किसने किया था? नारी गलत नहीं है, नारी के प्रति जो धारणा है, आपकी धारणा कैसी है, धारणा से ही अवधारणा है, ठीक है कि नहीं, धारणा से ही अवधारणा है। अब मान लीजिए एक नारी को आप मां के रूप में देखें, ठीक, आपकी धारणा अवधारणा अलग हो गई कि नहीं हो गई। अब बच्ची के रूप में देखें, है तो नारी, आपकी अवधारणा, आपकी वृत्ति अलग हो गई। तो नारी गलत नहीं है, नारी गलत होती तो यह न कहा जाता यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का आदर सत्कार होता है वहां देवताओं का निवास होता है, ये शास्त्र कहते हैं। कई बार पुरुष लोग कहते हैं क्या करें महाराज, हमारे घर की देवी तो क्या है, बोले हमारे घर की देवी तो दुर्गा है महाराज, क्या करें, बात बात में गुस्सा करती है। देवी दुर्गा है इसका मतलब पुरुष की कमी है, क्यों, दुर्गा सवारी किसके करती है, देखो सब बोल पड़ी शेर की, इधर की आवाज ज्यादा रही है, दुर्गा सवारी करती है शेर की। जब श्रीमान जी शेर बन के आएंगे तो देवी को दुर्गा बनना पड़ेगा, लेकिन जब श्रीमान जी नारायण बन के आएंगे तो देवी लक्ष्मी बन के पीछे पीछे चल पड़ेगी। लक्ष्मी जी आपके पीछे भी है तो भी कवच का काम कर रही है, और आगे भी है तो भी आपके लिए कवच का काम कर रही है। अच्छा इशारा हो रहा है क्या, चलो ठीक, एक दूसरे के सारा समझते रहना भाई, हमारा विषय नहीं, आगे है तो भी कवच है और पीछे है, बस इसको समझना है। मनुष्य रूपा की उत्पत्ति, सर्वत्र जल ही जल, पिताजी मैं कहा रहा हूं, ब्रह्मदेव को छींक आई, नासिका से भगवान वाराह का प्राकट्य हो गया, बोले वाराह भगवान की जय हो। भगवान वाराह जल के अंदर प्रविष्ट हो गए, पृथ्वी को अधरोष पर धारण किए, अधरोष पर धारण कर लेकर के चल पड़े। हिरण्याक्ष भगवान को गालियां देता है लेकिन भगवान उस पर विचार नहीं किया। एक बात ध्यान रखना, यह कुदरत का नियम है, जिस वृक्ष के फल में मिठास ज्यादा होगी पत्थर ज्यादा उसी में पड़ेंगे। आम का फल मीठा होता है कि नीम का, नीम का, आम का पत्थर ज्यादा कहां पड़ते हैं, नीम में कोई पत्थर मारता है नहीं। आपके कर्म फल में यदि अच्छी मिठास आने लगेगी तो ये समाज के लोग ज्यादा आपकी बुराइयां करेंगे, और समाज जिसकी ज्यादा बुराई करे भक्ति मार्ग में चलने पर तो समझ जाना इसके कर्म फल में मिठास आ रही है, उसको विचलित होने की आवश्यकता। कितने पत्थर पड़ जाए लेकिन आम अपनी मिठास को छोड़ता तो वृक्ष पत्थर खाने के बाद भी अपनी मिठास को नहीं छोड़ा। तो हमको तो मानव का तन मिला है, अच्छे कर्म के लिए संकल्प करके चल पड़े हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे मुझे उस मार्ग को छोड़ना, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। देखते हैं कौन कौन लगन लगा है, अभी पता चल जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो साधक क्या कहता है, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगाओ बैठे,
जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगाओ बैठे, लगन तुमसे लगाओ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। छुप छुप प्यार करते थे, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप प्यार करते थे, तो छुप छुप प्यार करते थे, लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, शर्म सब बेच खा बैठे, शर्म सब बेच
खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म सब बेच खा बैठे, शर्म सब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा।